कैसे हो भाई? आज के नए गेम प्ले में आपका स्वागत है। ये हम रैंडम प्लेयर के साथ पबजी लाइट की एक गेम प्ले खेल रहे हैं। और ये प्लेन ने अपनी टेक ऑफ कर ली और ये टैलेंटेड लोगों का नाम साइड में आ रहा है, बस मैं अपना नाम देख के बड़ी खुशी हुई। एक नंबर प्लेयर, दो नंबर प्लेयर, तीन नंबर प्लेयर, चार नंबर प्लेयर, सब अलग अलग जगह पे उतर के अपने लूट कर रहे हैं। हमने लास्ट में उतरने का डिसीजन लेके मैं और चार नंबर प्लेयर लास्ट में उतरे, बट मुझे ऐसा लग रहा है चार नंबर प्लेयर का नेट का बड़ा प्रॉब्लम है। और हमने कैरिज पे उतरने के साथ ही सिर्फ बैंडेज ही मिली, एक बैंडेज, दो बैंडेज और हेलमेट वर्टिकल ग्रिप के साथ हम बिल्डिंग के नीचे सेकंड फ्लोर पे गए। वहाँ पे भी बैंडेज मिली, कट्टर, एक पिस्तौल मिली और M416 A4 की 90 गोली के साथ अब दूसरा रूम लूटने चले गए। वहाँ पे बैग मिला और फिर से वही गन। क्या बात है, पबजी वाले आज 5.5 की बहुत सारी एपो दे रहे हैं। 180 बुलेट्स अभी हो गई है पर अभी तक हमें वेस्ट नहीं मिला। बट हमने यहाँ पे गन चेंज करके यूज ही छोटा हथियार बड़ा धमाका लेके आगे बढ़े। यूसी की भी अच्छी खासी बुलेट मिल गई है, 9 mm की। अभी तक लेवल 2 का बैकपैक मिला है बट अभी तक ना हमें फर्स्ट एड किट मिली है ना ही 4x स्कोप मिल गया है। क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी स्कारल मिल गई है बट अभी देखते हैं। स्कारल हमने एक्सेप्ट कर ली अच्छी खासी गोलियों के साथ। एक गेम को मैं यूज़ कभी नहीं करता, इनकेस कभी दिक्कत आई हो तो VMP को इस पर छोड़ के बाइजन लेते हैं। क्या बात है, बाइजन वैसे भी 52 गोले के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। और अभी यहाँ पे हमें एक बोट दादा मिलते हैं जो हम पे फायर करते हैं, बट मुझे पहले तो ऐसा लगता है ये बोट दादा है, बट बाद में पता चलता है ये शायद से अभी नया खेलने वाला बंदा है जिसने अभी पबजी लाइट खेलना स्टार्ट किया है। 2x स्कोप, 3x स्कोप, पेन किलर, स्मोक, लास्ट में अभी जाके हमें मिला वेस्ट। लेवल 1 का वेस्ट अभी हमें मिला है। अभी देखते हैं हम इस बार कितने बंदे मार पाते हैं और क्या हमारे तीनों बंदे बाकी के वो हमारे साथ लास्ट जोन तक चलेंगे। ये अभी बड़ा क्वेश्चन है। चलो बाकी की सफ़र की शुरुआत करते हैं। यहाँ से भागते हुए जोन में जाने की ट्राई करते हैं बट अभी भी हमारे लिए जोन बहुत दूर है। ये Level 3 Level 4 का बैक तक घूमना पड़ेगा
ये क्या 3x स्कोप मिल गया है, क्या बात है। 2x स्कोप फेंक के 3x स्कोप ले लिया। अब मेरे दोनों घरों में 3x स्कोप है, और एडिशनल मेरे पास 4x स्कोप भी है जो स्नाइपर में यूज़ करेंगे। पर स्नाइपर मिलनी भी तो चाहिए, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या बात है, अब मैंने लड़कों का ऑर्डर दे दिया, बाकी देखते हैं अपने बंदे कहाँ पे हैं और वो लोग भी कितना किल करते हैं, वो भी देखने लायक बात होगी। यहाँ पर मुझे टोमी दिखी, पर टोमी गन का यूज़ बाप गनों के सामने नहीं किया जाता। और ये रेड डॉट मिलता हुआ, रेड डॉट के साथ बैठा, मुझे अभी भी कोई बंदा दिख नहीं रहा है। चारों ओर को मुआयना करते हुए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट टू स्ट्रेट प्लेयर नंबर 1 और प्लेयर नंबर 3 के पास जाते हुए। क्योंकि अभी अभी प्लेयर नंबर 3 ने एक बंदे को नॉक ख़त्म कर दिया, नॉक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चारों ओर का मुआयना करते हुए वहाँ पे मुझे एक बंदा दिख जाता है ट्रैक्टर के पास। और ये बंदा दिखा और उसको पेल दिया गया। ये गया, जो अट पाई तो चले गए अभी, और ये किल देखे गए। बायरन वैसे बहुत अच्छी गन है खेलने में भी, और फायर फायर की जो कैपेसिटी है MH थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट फायरिंग कैपेसिटी स्पीड वो सबसे अच्छी है। और अभी वो इस जॉट बाई ने हमें फर्स्ट एड किट और एनर्जी ड्रिंक दिया। ये अपना 3 नंबर भाई किससे मार रहा है, चलो उसको तो हेड शॉट दे के ख़त्म कर दिया। HFGG मतलब वो प्लेन में टॉप पे रहने वाला बंदा। अब उसके बाद मेरा ही नंबर है उस प्लेट पे नाम लिखने वाला, तो अभी मेरे लिए सबको मारना बड़ा आसान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक नंबर भाई बहुत अकेला अकेला भाग रहा है, मना किया हुआ है साथ में रहो साथ में रहो, बट वो अकेला ही खेल खेलता रहता है। ये जोन का ने बैच बहुत बहुत डैमेज कर रहा है। अभी देखते हैं कब तक ये जोन का डैमेज लेना पड़ेगा। वहाँ से एक साइड से कार जाती हुई दिखी, हमारे एक नंबर फाइव फायर कर रहा है उसी पे। चलो देखते हैं, वो आपने अभी अभी एक बैंडेड लगाने की सोची हुई थी, डैमेज बहुत थी और आके फाइट लेनी पड़ेगी। एक क्या एक बंदे को नॉक किया, और अभी दूसरी बैंडेज की लगाने की बारी आ गई और लगा लिया, साथ में दूसरे बंदे को किसी ने नॉक किया हुआ था। अच्छा नॉक कर दिया और आगे बढ़े, और एक बंदा ऑलरेडी नीचे है गाड़ी के पास, उसको ऊपर में लाने ख़त्म कर दिया, और सामने वाले बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। ओ हो, क्या बात भाई, एक नंबर जल्दी से रिवाइव कर दे यार, वरना मारा जाए। अभी भी मेरे पे फायरिंग हो रही है चारों ओर से। अभी जोन में पहुंचा, सामने बंदा है, उसको मार करते हुए एक नंबर पाई को बोला कि वहाँ पे बंदे को ख़त्म करो, पर वो ख़त्म नहीं कर पा रहा है, शायद से मैं ख़त्म हो जाऊँगा इस चक्कर में। वहाँ एक नंबर वहाँ पे है, देख वो रहा बंदा, अभी रिवाइव मत को पहले उसे ख़त्म कर। वो अभी एक गोली पड़ी, दूसरी गोली पड़ी, उसको पड़ी, उसने फिर ख़त्म किया। क्या बात है, मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं तेरी जिंदगी की बहुत वैल्यू है। क्या बात है, क्या बात है। चलो कोई नहीं, अभी हम जिंदा हो जाएंगे, फिर दिखाएंगे कैसे खेला जाता है। अभी और एक बंदा पिल रहा है हमें, ये फायर फायरिंग हो रही है कंटिन्यूस मेरे पे। पहले फर्स्ट एड की पट्टी बट्टी लगाते हैं, बाद में उस बंदे को ढूंढते हैं वो साला कहाँ से मार रहा है। एक दो दो फटके, तीसरा फटके में पता चल गया बंदा यहाँ पे लेटा हुआ है, इसको बहुत डैमेज दिया, मारा 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 और अभी तो भागना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास फर्स्ट एड किट भी नहीं है
पट्टी बट्टी लगानी तो पड़ेगी। भागो भागो भागो, चोर आया चोर आया, शेर आया शेर आया, और ये बैंडे से अभी काम चलाते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी, पट्टी से वैसे तो अच्छी है, पट्टी जैसे डांग अच्छे है वैसे पट्टी बैंडेज भी अच्छी है, पर देखते हैं वो बैंडेज हमें कहाँ तक ले चलती है। और ये भागते हुए ये 3 नंबर का किसी और बाकी से फाइल ले लेते ले अकेला अकेला। कब तक जिंदा बचोगे भाई अकेले फाइल लेते हुए? साथ में रहोगे तभी तो जिंदा रहोगे। और ये 4 नंबर पाइप को फटके पड़ते हुए और ये पहुँचे कोने में एनर्जी ड्रिंक लेके, वहाँ पे किसी ने दरवाज़ा बंद किया। वो देख के मैंने वहाँ पे स्कोप लगाया, 3 और 4 नंबर पाइप भी डैमेज में, मेरा लेवल 1 का वेस्ट पूरा, क्या पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, 80%। ओ ये नया मिल गया लेवल 1 का वेस्ट, ये कौन है फायर कर रहा है बेकार में, उसको मरना पड़ेगा। क्या बोलते भाई, पहले जॉन में जाया जाए कि उनको फटके दिए जाए? फटके दिए जाए, क्या बात है। एक बंदे ने नॉक तो किया है बट परमानेंट ख़त्म नहीं किया, क्योंकि वो अभी भी कवर में है। चलो अभी जॉन में जाया जाए, ये बस देखी बेटी बेटी लूटते। लेवल 2 का वो मिला हमें, लेवल 2 का हेलमेट, और ये बंदे को हेड पे हेड देते हुए बट वो सही टाइम पे नीचे चला गया, वरना इस बार नॉक हो जाता है। नॉक होने के बाद उसके पास तो एक और बंदा था जो उसको रिवाइव कर सकता था हेड, बट दिक्कत की बात ये थी कि उसके पास रीच का कवर था। अभी देखते हैं अपना 3 नंबर बंद भाई वहीं पे उसको मारने के लिए गया हुआ। और यहाँ पे हमें एक सांप मिलता है, कैसा सांप, उसको पता नहीं हम यहाँ उनका बाप यहाँ पे पहुँच चुका है उनको मारने के लिए। देखो कैसे कुत्ते की तरह मारते हैं, ये पहली तो 2 गोली लगी नहीं, अब ये कुत्ता मारा जाएगा। ये हुआ ये हेड शॉट भाईजान, वैसे तो बाप मन है, लोग इसको लेना पसंद नहीं करते बट ये एक बाप मन है। जब उसकी फायरिंग रेंज में आप गलती से आ गए तो आपकी खैर नहीं। अभी ये अपना 3 नंबर भाई एक्स्ट्रा के फटके से नॉक हो चुका है। और ये एक बंदा जो जॉन के बाहर रह के कार में टेक के फटके दे रहा है, क्या बात है। अपना इस बार अपना 3 नंबर भाई शहीद हो चुका है। इसी के साथ अब हम 3 टर्मिनेटर, टर्मिनेटर तो नहीं बोल सकते कि टर्मिनेटर बाद में, चिकन डिनर के बाद में दिया जाने वाला टाइटल है, बट यस हम अपने आप को सोल्जर तो बोल ही सकते हैं। चलो फिर अभी वापस जोन आ रहा है तो जोन में जाया जाए। काफ़ी तेज़ी से हमने एक बंदे को यहाँ पे स्पॉट कर लिया जो झाड़ियों में गीली सूट पहन के छुपा हुआ है, उसको पकड़ के पेलना तो पड़ेगा। उसी के साथ एक और बंदा बग्गी लेके मेरे सर के ऊपर से निकल गया। चलो कोई नहीं, इसको पकड़ा वो गिली वाले को गिली गीला कर करके इसके पिछवाड़े का तंबू लाल कर दिया, क्या बात है भाईजान की तो कोई बात ही निराली। चलो ये 4 नंबर पर आ गया, कौन नॉक हुआ है अभी वो बंदा, वो जोन वाला जोन में अभी आ नहीं पाएगा, उसको मरना ही पड़ेगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पर तो पहले ही जैकी पेटी वेटी लूटने लगे, गिली सूट पहन लिया अपने। 4 नंबर हमने लेवल 3 का बैग पैक ले लिया, 9 MM की एमओ ले ली और आगे जॉब में बढ़ते हुए। यहाँ पे हमने एक बड़ी गलती की और गलत सा डिसीजन लेके हमने अकेले ही रश कर दिया 2 बंदों। चलो कोई नहीं आगे बढ़ते, मैंने हेल्प के लिए कॉल किया पर साले अपने दोनों निखट्टू बंदे हेल्प को नहीं आए। फिर लास्ट में मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। यहाँ पे एक बंदा मिला, उसको तो नॉक कर दिया, उसके पास डीपी होने के बावजूद उसको नॉक किया, पर उसके बंदे ने क्या क्या
क्या बैकअप दिया और अपने बंदे को रिवाइव कर दिया। हमारे बंदे अभी भी पीछे जोन के बाहर, क्या कर रहे पता नहीं, बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी हमारी पेटी बननी कन्फर्म हो चुकी है। तो हम एनिमी साइड का ट्राई तो कर रहे हैं, वहाँ पे दोनों बंदे रिवाइव हो चुके हैं और दोनों बंदे मुझे मारने के लिए आ गए, और S12 का ये एक फटका और हमारी पीटी बन गया। उसी के साथ हमारे एक नंबर फाइव भी को भी नॉक कर दिया, और भी ये चार नंबर फाइव पे ही पूरी गेमदार का दारोमदार। अब देखते हैं चार नंबर भाई चिकन डिला दिला पाते हैं, और ये चार नंबर भाई ने एक बंदे को तो नॉक किया और दूसरे बंदा पहली गोली में नॉक। और इसी के साथ चिकन डिनर और MVP मिला पूरी पटेल को। चलो अभी देखते हैं हम कहाँ कौन से टायर पे पहुँचे, और इसके साथ किलिंग रेट मिला सबसे ज़्यादा 15 का, और इसी के साथ 14 किलो के साथ चिकन डिनर। तो भाई लोग कैसा लगा मेरा गेम प्ले, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब में कमेंट करना, बुरा लगा फिर भी लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना। क्राउन में पहुंच गए, 4 का केडी है, दोनों बैक टू बैक चिकन डिनर। तो भाई लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।